जय माँ काली। दोस्तों मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। हमारे एक पिछले वीडियो पर एक यूजर भाई ने कई बार कमेंट किया था कि आप दक्षिण भारत में जो देवियाँ हैं उनके बारे में भी बताएं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय देवी के बारे में। जानेंगे कौन है ये देवी और कैसा है इन देवी का रूप। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करुमारी अम्मन के बारे में। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में जो अधिकांश राज्य आते हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये राज्य जो दक्षिण भारत का अंग है इनमें एक प्रमुख देवी को पूजा जाता है जिनको करुमारी अम्मन के नाम से जानते हैं। इनकी पूजा वैसे तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है पर अब इनकी पूजा दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी होती है। जिस प्रकार उत्तर भारत या पश्चिम पूर्वी भारत में देवियों के नाम के पीछे माता जी, देवी, मैया आदि बोलते हैं वैसे ही दक्षिण भारत में देवियों के नाम के पीछे अम्मन, अम्मावारी, अम्मा शब्द जोड़ते हैं। देवी करुमारी दक्षिण भारत में एक लोक देवी है। हालांकि करुमारी देवी नाम का उल्लेख किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है क्योंकि ये नाम वहां की लोक भाषा में इनको दिया गया है। लोग इनको मारी अथवा करुमारी अम्मन के नाम से पुकारते हैं। मारी जिसका अर्थ है बारिश। करुमारी देवी को वर्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। सभी देवियां एक ही आदि शक्ति के अंश से उत्पन्न होती है। नाम विभिन्न और कार्य भिन्न हो सकते हैं इसलिए ये देवी भी उन्हीं शक्ति का ही एक अवतार है। ये कहीं कहीं पर चित्रों में नीम के पेड़ के नीचे या सिंहासन पर विराजमान दिखाई जाती है। ये शक्ति स्वरूपा है, लाल वस्त्र धारण करती है, नीम के पत्ते की माला और फूलों और नाना प्रकार के स्वर्ण में जड़ित आभूषणों से सुसज्जित है। इनके सिर पर मुकुट और नाग का छत्र है और देवी के सिर के पीछे आग की लपटों का घेरा है जो दर्शाता है कि भगवान सूर्य देवी का सम्मान करते हैं। इनकी चार भुजाएं हैं जिनमें ये त्रिशूल, खंजर, डमरू, खप्पर या कुमकुम का कटोरा धारण करती है। देवी के चरणों में अंगला, परमेश्वरी या रेणुका का कटा हुआ सिर माना जाता है। इस प्रकार देवी का स्वरूप माना जाता है। अधिकांश लोग उन्हें भगवान शिव या दुर्गा की पत्नी पार्वती का रूप मानते हैं जो असुरों को मारने के लिए उन्हीं से उत्पन्न हुई थी। कुछ लोग उन्हें भगवान परशुराम की माता रेणुका मानते हैं। इनका निवास नीम के पेड़ में होने से कुछ इनको शीतला माता का ही रूप मानते हैं। पर अगर इस लोक मान्यता से हटकर देखें तो ये देवी इंद्राणी देवी है। इसके अलावा भी देवी को करुमारी, आदि पराशक्ति, रेणुका, मरियम्मन, रेणु कंबल, ब्रह्मरम्भ, मरियम्मा, अम्बी गाय, जगन्माथा, सर्वेश्वरी, थिरुवेर कारु अम्मन, अंगला परमेश्वरी, ईश्वरी आदि नामों से भी जानते हैं। इनकी पूजा में हल्दी, कुमकुम, नींबू की माला, नीम के पत्ते और नीम के पत्ते की माला चढ़ाने की मान्यता है। करुमारी देवी को नारियल और कई प्रकार के फल, अन्न के भोग के साथ कई स्थानों पर उन्हें मांस बलि और ताली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आम तौर पर उनके मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण समुदाय से नहीं होते हैं। आम लोग उनसे बारिश लाने और महामारी रोगों से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका मुख्य मंदिर तिरुवेर कारु में मिलता है। यहाँ ये देवी नित्य निवास करती है। देवी की पूजा का विशेष दिन रविवार है। करुमारी अम्मन की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थेवर और अगामुदयार जाति के बीच की जाती है जो उन्हें अपने परिवार और प्राथमिक देवता के साथ साथ अपनी जाति देवता भी मानते हैं यानी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। आइए जानते हैं देवी करुमारी की एक छोटी सी कथा। लोक किंवदंती के अनुसार करुमारी अम्मन ने एक बार खुद को एक भविष्य वक्ता के रूप में प्रच्छन्न किया और अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए सूर्य देव के पास गई। सूर्य ने करुमारी अम्मन को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें दर्शन देने से इनकार कर दिया। देवी क्रोधित होकर चली गई। जैसे ही करुमारी अम्मन ने अपना निवास छोड़ा सूर्य ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी। जल्द ही वह एक बड़े कोयले में बदल गया जिससे पृथ्वी अंधेरे में डूब गई और ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उन्होंने उनसे माफी मांगी। करुमारी अम्मन को शांत करने के लिए सूर्य ने वादा किया कि वह साल में दो बार उनके पैर छुएंगे। करुमारी अम्मन ने सूर्य को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली। आज सूर्य की किरणें तिरुवेर कारु के निवास स्थान पर करुमारी अम्मन के पैरों पर सीधी पड़ती है। ये घटना तमिल कैलेंडर के पंदुनी यानी मार्च, अप्रैल और पुरुतासी यानी सितंबर, अक्टूबर महीनों में होती है। तिरुवेर कारु देवी करुमारी अम्मन का मुख्य मंदिर है। प्रत्येक रविवार को करुमारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुयायी साल में दो बार देवी की स्वयंभू प्रतिमा के चरणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के स्थान को देख सकते हैं जो एक लोक कथा को सत्यता प्रदान करती है। दक्षिण भारत के भक्तों की देवी करुमारी में अटूट विश्वास है। उनके मंदिर उत्सवों में लोगों को दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर उनकी उत्सव यात्रा को पूरा करते हैं। मान्यता है जो भक्त सच्चे होते हैं उनकी मां मुराद पूरी करती है।
और संतान सुख की कामना पूरा होने का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, ये थी करुमारी अम्मन से जुड़ी जानकारी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय माँ काली, हर हर महादेव।